कोई इंग्लिश में बोले तो एक दूसरा बोलो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन तो पहला इंप्रेशन कुछ बोलना चाहिए तो ये जो इंप्रेशन है ना ये हमारा पहला इंप्रेशन को नहीं अच्छा अच्छा हमारा पहला इंप्रेशन दिखाऊं क्या हाँ हाँ कोई कोई देखिए आप सबको बोल रहे हैं जगदीश भैया पहला इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए हाँ तो एक बार जोरदार जयकारा बोल गणेश जी महाराज की बोलो पितर जी महाराज की जय ओ जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारी जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारी आप ही रक्षक आप ही दाता आप ही देवन हारे आप ही रक्षक आप ही दाता आप ही देवन हारे मैं मूरख हूँ कछु नहीं जानू मैं मूरख हूँ कछु नहीं जानू आप ही हो रखवारे जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारी जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारी Thank you.
पारी। बोलिए पिताजी महाराज की, बोल रानी सती दादी की। देखिए दादी हमारे आंगने पधारी है, दादी का स्वागत का एक भजन गाते हैं, बहुत पुराना भजन है, सबको ही को आता है, कृपया सब मिलकर साथ दें। और उमंग तुमको लाइव करना तो सामने आ जाओ, पीछे बैठ के लाइव करके क्या फायदा बता। बोली रानी सती दादी की, अरे धोया धोया आंगना मैं आओ मारा दादी जी, धोया धोया आंगना मैं आओ मारा दादी जी, पाल दिया बुलावे बेटा आओ मारा दादी जी, पाल दिया बुलावे बेटा आओ मारा दादी जी, धोया धोया आंगना मैं आओ जी दादी जी, धोया धोया आंगना में आओ मारा दादी जी, धोया धोया
कोई भी युक्त आती है तो दादी आती है ना सब मानते हैं ना कोई भी युक्त आइए ना संकट में दादी दौड़ी दौड़ी आवे संकट में दादी दौड़ी दौड़ी आवे भगता को दादी मान बढ़ावे भगता को दादी मान बढ़ावे पालिया रो मान बढ़ाओ जी दादी पालिया रो मान बढ़ाओ जी दादी देखिए भजन कंप्लीट हो गया है मेरी हाजिरी मैंने लगा दी अब आपकी मर्जी है अब आपकी हाजिरी लगाए या ना लगाए तो सब मिलकर एक बार धोया धोया आंगना में आओ मारा दादी जी धोया धोया आंगना में आओ मारा दादी जी पालकिया बुलावे बेटा आओ मारा दादी जी पालकिया बुलावे बेटा आओ मारा दादी जी धोया धोया आंगना में आओ दादी अब हमारे भी जगदीश भैया है अमरेश है वो भी अपनी हाजिरी लगाए कृपया करिश्मा पल दिखाए कभी करिश्मा पल
चलती फिरती मैं ढिंची टच कर ढिंची टच इधर चलती फिरती मैया की कृपा जिस पे हो जाए वो जुड़ाए वो जुड़ाए वो जुड़ाए वो जुड़ाए
तीर तारो दया करू के थारी सकलाए को मंदिर तारो दया करू के थारी कर नारी थार दर्शन कर ले आग भारी भारी कर नारी तेरा दर सकत है आग भारी भारी मारी भवसा कर से दुनियादारी में कुछ तो है मैया जी।
दरबार में बैठ के बात करना बहुत बड़ा गुनाह है, और खास करके जब मोदी सेठानी हमारे बीच में टीम लो वो सच्चे दरबार की बोलो रानी सती दादी की। आइए देखा वन टू तो बेसी समय नहीं लूंगा आपका, सिर्फ इतना साथ दे दो ताली बजाकर आशीर्वाद के लिए सच्चे दरबार की बड़े रानी सती दादी की। पीछे वाले अलग से कोई इन्विटेशन देना पड़ेगा, दरबार में बैठो दोनों हाथों उठा के पूरी पूरी वो सच्चे दरबार की बड़े रानी सती दादी की। मौसम सा बदले जहां लोगों का व्यवहार, झूठे रिश्ते झूठे नाते झूठा है सच्चे दरबार की। अरे कुछ तो है गले से उतरती नहीं बात, ये गले से उतरती नहीं झुंझुनू में बिगड़ी सवरती नहीं, झुंझुनू में बिगड़ी सवरती नहीं बात, ये गले से उतरती नहीं बात, ये गले से उतरती नहीं। विकास भैया हमारे बीच पहुंच चुके हैं, बस ये भजन के साथ दे दीजिए। दर पे जो इसके सुनाई न होती, दर पे जो इसके सुनाई न होती, बिगड़ी जो इसने बनाई न होती, बिगड़ी जो इसने बनाई न होती। अगर ये बिगड़ी नहीं बनाती तो ये जो चौखट है ना, इस चौखट पे दुनिया नहीं पड़ सकती। तो गाइए ना, चौखट पे दुनिया पसरती नहीं, चौखट पे दुनिया पसरती नहीं, बात ये गले से उतरती नहीं, बात ये गले से उतरती नहीं, झुंझुनू में बिगड़ी सवरती नहीं, झुंझुनू में बिगड़ी सवरती नहीं, बात ये गले से उतरती नहीं। अच्छा क्यों जाते हैं झुंझुनू? कोई एक साल में एक बार जाता है, कोई दो बार जाता है, कोई हर नौवां जाता है, कोई कारण होगा ना। माँ से मिलने आनंद आता है वहां से जाने के लिए, झुंझुनू जाने से हमें आनंद आता है। झुंझुनू में आनंद अगर ना बरसता, झुंझुनू में आनंद अगर ना बरसता, बनवारी जाने को दिल ना तरसता, बनवारी जाने तरसता। और मूर्ति पे चुनरी यूं ही चढ़ती नहीं, मूर्ति पे चुनरी यूं ही चढ़ती
बीच कलकत्ता से सुप्रसिद्ध भजन गायक विकास जी शर्मा पधार चुके हैं, मैं उनसे